तो भाई साहब एक्चुअली क्या हुआ, एक बंदा आया, वो आके इस नाश्ता को बोलता है फक यू, एकदम फिंगर दिखा के। आपने इसको बड़ी से बच्चे खाया जरा बताएं, फक यू क्यों बोला आपने? वो मुँह से निकल गया, मुँह से निकल गया। एंड या उसने कहा भी गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। नास्तिया, हाउ इज एवरीथिंग हियर? इज इट हॉट और कोल्ड? भाई साहब आज गर्मी है और टेम्परेचर अभी ठीक ठाक है। शाम का अभी 7 बजने वाले हैं। मैं सुबह से पहुँच गया था यहाँ पर 11 बजे के आसपास, फिर घर आया, मतलब घर मतलब होटल ही आया, सो गया 4-5 घंटे के लिए। फिर कल रात को नहीं सो पाया था ना, रात को तो प्लेन में कहाँ पे सो पाता मैं। अब 7 बजे हैं, कल सुबह 7 बजे की मेरी वापस से फ्लाइट है थाईलैंड के लिए। तो आई डोंट नो वी कैन स्लीप और नॉट टुनाइट बिकॉज टुमारो मॉर्निंग यू हैव टू फ्लाई अगेन। वी स्लीप फॉर आवर्स, आई डू नॉट प्लान, आई डिडंट प्लान। या तो जैसे कि 2 घंटे सोएंगे, फिर 2 घंटे के बाद उठ के फिर कुछ दिल्ली में देखेंगे। हालांकि 7 बज गया है, अब पता नहीं कहाँ जाओ। 7 बज गए, यहाँ पे बिरयानी मिल रही है बड़ी मस्ती। You don't try biryani? Outside, I don't eat anymore. Outside, you don't eat anymore? Oh, it's samosa. Dabai, I want to eat samosa. भाई इसको ही नहीं खिलाता हूँ क्योंकि पिछली बार जब आई थी ये इतना यहाँ आवाज़ क्यों करता है यार। पहली बात चलो ठीक है, स्वागत करता हूँ तो इन जा नास नास दस मीटर व्हाट यू सेड नोबडी डोंट हियर नथिंग। वैसे पिछली बार जब आई थी इंडिया तो इसने कुछ बाहरी खाना खाया था और उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। फूड पॉइजनिंग मुझे बहुत ही कम होता है, सेम खाना हम लोगों ने खाया था लेकिन उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। 4-5 साल इंडिया के बाहर रहने के बाद बावजूद भी मेरा जो स्टोमक है इंडियन स्टोमक बर्दाश्त कर पा रहा है इंडिया के खाने को। तो मैं भी खाना खा रहा हूँ, कुछ समोसा क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है मुझे। ये नहीं खाएगी, मैं ही सिर्फ खाऊँगा और फिर देखता हूँ कहाँ जाऊँगा अभी क्योंकि ऑलरेडी 7 बज गए हैं शाम के। हम लोग अभी रह रहे हैं महिपालपुर वाले एरिया में, महिपालपुर वाला एरिया जब एयरपोर्ट के पास पड़ता है क्योंकि एयरपोर्ट के पास रहने का फ़ायदा क्या है ना कि कल सवेरे की जो 7 बजे की जो फ्लाइट है वो हम लोग ले लेंगे। चलो नाश्ते, चलो कुछ खाना खाते हैं। भाई। तो भाई इंडिया आए, इंडिया में अगर आए स्ट्रीट फूड नहीं खाए तो क्या किया? सोच रहा हूँ कुछ मैं यहाँ पे स्ट्रीट फूड खा लेता हूँ, हालांकि एक दिनों के लिए हूँ, आज कुछ खा लेता हूँ, कल से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। पाक थाई वगैरह वगैरह क्या क्या खाते हैं। वैसे नास्तिया को स्ट्रीट फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। आप स्ट्रीट फूड नहीं? वैसे ऐसे नास्तिया को पानी पूरी बिल्कुल पसंद नहीं है। व्हाट डू यू लाइक मोर, गुलाब जामुन? रसमलाई। ब्रेड एंड भाई साहब को बड़ी काफ़ी अच्छा लगता है पानी पूरी। तो ब्रेड एंड भाई साहब जब भी यहाँ पे आएंगे बोलेंगे पानी पूरी खाना है, पानी पूरी खाना है, पानी पूरी खाना है। चलो अब देखता हूँ कहाँ, सोच रहा हूँ जामा मस्जिद के पास चलता हूँ अभी, थोड़ा वहाँ पे खाना पीना का टूर कर लेता हूँ कि आज कुछ ढंग से खा लेता हूँ, कौन सा कुछ ढंग का मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पता नहीं। तो आज जा रहा हूँ जामा मस्जिद अभी, भाई साहब की शॉप पर आया था। तो भाई रात के 8 बजे हैं और हम नास्तिया जा रहे हैं मेट्रो की तरफ यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट बैठ के चाय पी रहा था, कहीं सब्सक्राइबर मिल गए उसे मिल रहा था, बातें कर रहा था। एंड इस गर्मी में भी भाई चाय मुझे बिल्कुल पसंद है, हालांकि इसने अपना एक माजा ले रखा है एंड मैंगो जूस एंड वाटर। आर यू हंग्री? यस। भाई गर्मी में क्या होता है ना कि हम इतना पानी पीते हैं भूख लगती ही नहीं है। सुबह से मैंने सिर्फ 2 समोसे खाए हैं, मेरी भूख नहीं लगी हुई है, बट कोई बात नहीं। ये स्ट्रीट है, यहाँ पे लाइटिंग बहुत ही कम है अभी यहाँ पर, पता नहीं वीडियो कैसी बन रही होगी बट ठीक ठाक बन जा रही होगी। और पता नहीं मेट्रो से लेके कहाँ जाऊँ, ऑलरेडी 8 बज गए हैं, 10-11 बजे से पहले घर भी आना है तो 3 घंटे बचे हैं हमारे पास। अच्छा साइड ये बात तो सही बोल रही है, आराम से निकल सकती थी मेट्रो सॉरी गाड़ी, फिर भी उन्होंने हॉर्न बजाना सही समझा। यूसी होता हॉर्न लेता है तो जैसे हेलो टू यू बाय हॉर्न कौन नहीं आता इन इंडिया, नॉट हॉर्न नॉट लाइक साइड साइड इट्स लाइक हॉर्न लाइक हेलो यू नीड टू से टिप हेलो टू वी डू इट इन दिस ट्रेन एंड रश। ओके चलो आ गए हैं यहाँ पे दिल्ली एयरसिटी का मेट्रो, यहाँ पर है
और यहाँ से सिटी की तरफ जाएंगे इस मेट्रो लेके। भाई दिल्ली मेट्रो में आया था, मैंने पहली बार ये फंक्शन यूज़ किया है। एक्चुअली ये QR का फंक्शन है, आपको टिकट ऑनलाइन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ QR मिलेगा। QR स्कैन कर दो आप, एंड आपको जैसे QR स्कैन करोगे आपको मिल जाएगा टिकट, और QR वहाँ पर QR स्कैन करना पड़ेगा, मतलब टिकट खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है और आपको कार्ड वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। तो 50 इंडियन रुपीज़ का दैट राइट जस्ट अनदर गो बाय वॉक। ये लॉजिक भी लिए बहुत सारे कंट्री में देखा है कि जाने के लिए एलिवेटर लगा रहता है, ऊपर चढ़ने के लिए एलिवेटर है ही नहीं, मतलब ऊपर चढ़ो और जाने की जाने में आसानी होती है ना। ये है, चलो ट्रेन आ गई, दौड़ 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 ट्रेन देर ट्रेन देर ट्रेन देर क्लोज। भाई 2 सेकंड के लिए मिस हो गई, अब बैठना पड़ेगा 5 मिनट तक, 5-10 मिनट बैठना पड़ जाएगा, कोई बात नहीं होता है। सामने ट्रेन निकल गई, ट्रेन गोज, ट्रेन गो Sure. Not wait. Sure, do I go home? Need wait 10 minutes now. It's okay. सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें। Wear mask. Sanitize hand. Avoid touching any surface. Avoid travel if not feeling well. Nastya, do you have any of this? Why are you not your mask? First number reason. Social distance. अस्वस्थ महसूस होने पर यात्रा से बचें। किसी भी सतह को न छूने से बचें। हाथ सैनिटाइज करें। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें। मास्क पहनें। अंडरस्टैंड? तो भाई दिल्ली मेट्रो में हम लोग सवार हो चुके हैं। यू फीलिंग इन दिल्ली मेट्रो? तो सोची भाई इतना सस्ता है, मतलब 50 रुपये में आप एयरपोर्ट जा सकते हो। एयरपोर्ट सिटी किसी भी देश में मैं गया हूँ, ईरान को छोड़ के ऐसी कोई कंट्री नहीं थी जो कि सस्ते में आप एयरपोर्ट पहुँच सकते हो इतने सस्ते में। 50 रुपये में हम लोग भाई यहाँ पर है धौला कुआं में है, ये हमारा मैप है। एंड धौला कुआं के बाद आएगा शिवाजी स्टेडियम, फिर न्यू दिल्ली। सुनो मैं अभी जाऊँ ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली से मैं ओल्ड दिल्ली के मेट्रो लूँगा तो फिर पैदल चलूँगा तो फिर ऑटो ले लूँगा, एंड वहाँ पे कुछ खाना पीना खाया जाए। मैंने सुना है वहाँ पे कि कितनी आपस में दूरी बना लेते हैं। प्लीज गो फार तक गवारी शिवाजी स्टेडियम। वेल दिस इज सेइंग दैट यू नीड बिकॉज ऑफ कोविड 1 मीटर डिस्टेंस। और उससे तो अभी ओल्ड दिल्ली जाके कुछ खाना पीना जाके वहाँ पे खा लूँ, उसके बाद कल तो निकलना है सुबह सुबह। यही तो अपने सोच रहे थे कि जाऊँ वहाँ पे राजीव चौक, बट सारे 8 बज गए हैं और सब कुछ बंद पड़ा होगा। ये गई हुई है राजीव चौक और ये ओल्ड दिल्ली नहीं गई है, तो उसको मैं जाके जा रहा हूँ अभी ओल्ड दिल्ली। वी आर लिविंग द कैपिटल नाउ, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, वी गो टू ओल्ड दिल्ली। नास्तिया इसको देख के डर गई। This is not kill, this is human. और ये वीडियो बनाने लगे इस बात का। वैसे मैं आ गया हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अब यहाँ से सोच रहा हूँ बाहर जाता हूँ, यहाँ से जैसे रास्ता चल नहीं रहा ये वाला चल रहा है। एंड थोड़ा हाय क्या हाल है? अच्छा अच्छा भाई, मुझे पता नहीं है अचानक से मैं भी कल आ गया। नमस्ते, कैसे हैं? अभी क्या प्लानिंग है? बस अब जा रहा हूँ यहाँ से, कल निकल जाऊंगा सुबह सुबह थाईलैंड के लिए, बैंकॉक थाईलैंड जा रहा हूँ। वीडियो बना ही रहा था, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप राणा है। दिलीप, कहाँ से हैं आप? और मैं तो सोनभद्र से, यूपी से। यूपी से, अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नास्ता है। आपका? Then you change words, I don't understand. It's okay. भाई मुझे लगा था कि दिल्ली में मेट्रो में मास्क वगैरह की जरूरत नहीं है, बट मास्क चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं आ रहा था, मैं नास्ते साथ साथ आए, नास्ते को किसी ने कुछ नहीं बोला भाई मास्क कर लो, मेरे को बोलते हैं मास्क करने, मैंने कहा उसको तो नहीं बोल रहे हो, मेरे को क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा ठीक है, मैं गया मास्क खरीद के आया, मैं वापस से मास्क पहन के आया, ये बिना मास्क के आई, फिर भी इसको कुछ नहीं बोला मेरे टोकने के बावजूद। दिस इज वाइट स्किन प्रिविलेज, इट्स नॉट रेसिज्म। पता नहीं भाई, चलो कोई बात नहीं, मैं अच्छे से लगा लेता हूँ मास्क। यू डोंट नीड मास्क बिकॉज यू आर वाइट। तो भाई एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं पराठे वाली गली में, भी चांदनी चौक मेट्रो पे आया था और मुझे लगा नास्तिया को थोड़ा अभी रिक्शा का मतलब आनंद दिलवाया जाए। इट्स योर फर्स्ट टाइम इन रिक्शा? या
हाँ तो हम लोग रिक्शा 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 एक्चुअली ये रिक्शा है भाई, जहाँ पर लोगों को चलाना पड़ता है। मतलब ये रिक्शा वगैरह नहीं है, पुराना ट्रेडिशनल। मैंने कहा क्यों नहीं, चलो यूज़ किया जाए और उनका भी कुछ भला हो जाएगा साथ ही साथ। ये ऐसा कुछ एरिया दिखता है भाई, हाउ यू फील इन रिक्शा? नॉर्मल इंटरेस्टिंग या नॉर्मल ना यार। चलो चलते हैं अब चांदनी चौक, जहाँ पे कुछ खाना खाया जाएगा और रात वहीं पे समाप्त कर दूंगा और कल सुबह मेरी फ्लाइट तो है ही बैंकॉक के लिए। भाई चलते चलते ये चांदनी चौक का फेमस गुरुद्वारा के पास आ गए थे, बट सी कांट गो बिकॉज इसके कपड़े में थोड़े शॉर्ट्स हैं। नो इट्स नॉट अबाउट लाइक व्हाई पीपल आर अलाउड, इट्स लाइक कपड़े थोड़े शॉर्ट्स हैं और मुझे लगा ही था कि ये शायद नहीं जा पाएगी क्योंकि कपड़े कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट है और इसके लिए बहुत गर्मी भी थी। बेली लाइक नॉट अलाउड, इट इज़ नॉर्मल हियर इन इंडिया लाइक मोस्ट ऑफ द लाइक आल्सो इस्लाम रेस्ट जोन। ये इन लोगों को देख रही थी। चलो यहाँ पे बहुत ही फेमस है हल्दीराम, जाके खा लेता हूँ खाना पे, यहाँ पे जो मिले कुछ खा लेता हूँ और आज का रात यहीं पे समाप्त करता हूँ। यहाँ से मैं मेट्रो लेके वापस जाऊँगा अपने होटल में और कल सुबह मेरी तो फ्लाइट है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि कल सुबह मैं जा रहा हूँ, एक दिन के लिए दिल्ली आया था लेकिन वापस से मेरी फ्लाइट है 10 दिनों के बाद, दिल्ली की फ्लाइट है। एंड दिल्ली के बाद आई थिंक जाऊँगा 10 दिनों के आसपास, थाईलैंड में जाऊँगा साथ फुल मून नाइट पार्टी को अटेंड करूँगा और उसके बाद मैं आ जाऊँगा वापस से दिल्ली। एंड या देन उसके बाद आई थिंक ये अपने घर निकल जाएगी 3-4 दिनों के बाद, मतलब 4-5 दिन हो सके ये इंडिया में रहेगी, और क्योंकि इसके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है 1 साल का, और उसके बाद ये निकल जाएगी अपने देश रशिया और मैं यहीं पे कुछ वीज़ा वगैरह अप्लाई करके मैं भी कहीं साउथ अमेरिका वगैरह के लिए निकल जाऊँगा, ये प्लान है। हाय भाई, क्या हाल है? बढ़िया। द भाई से जो से व्हाट हैपेंड योर कंट्री वियर्ड। चलो द भाई, तो भाई साहब एक्चुअली क्या हुआ, एक बंदा आया और जो आपको आपने देखा ना उस बंदे के साथ, वो बंदा था वो आके इस नाश्ता को बोलता है फक यू, एकदम फिंगर दिखा के उसके बाद बोलता है आई एम सॉरी, आपने इसको मेडिसिन क्यों दिखाया जरा बताएं, फक यू क्यों बोला आपने? वो मुंह से निकल गया, मुंह से निकल गया, माफी चाहती बोल दिया था। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। एक फोटो, यू वांट फोटो विद यू मॉडल? बस तो ना आए तो इंस्टाग्राम आए रहे। चलो चलो। तो भाई उस समय एक बंदे ने इसको थोड़ा मिडिल फिंगर वगैरह दिखाया था, लाइक ही जस्ट वॉकिंग या ही जस्ट वॉक एंड जस्ट सो यू, you don't say anything to him, you don't I say I just don't understand what happened, he just and I just fuck you too and yeah usne kaha bhi mujhe laga kya baat hai, main kya bol raha tha bande ko, bahut chhota sa banda tha yaar, mere ko laga ki 15 16 saal ka banda hoga, kafi young tha, but chalo koi baat nahi, hota hai kya, it's normal, it happened with me in Russia too, it doesn't matter for me, I just don't understand, like, now you just fuck you with either, like, very, how to say, express, yeah, express, like, fuck you, but I'm 2 minutes, sorry, me, пожалуйста, sorry, такой cute, friend, is it, which was so weird, morg, chalo bhai, koi baat nahi, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, यूक्रेन वगैरह में हो रखा था, रशिया वगैरह में हो रखा था, बहुत सारे कंट्री में होती रहती है, कुछ कुछ लोग भी मिल जाते हैं तो उसके लिए कोई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई रात के बज रहे हैं अभी 12:30, अब सोने का समय, एक्चुअली सोऊँ क्या, 2 घंटे के बाद मुझे फ्लाइट लेनी है। तो आज दिल्ली में कुछ खास दिन अच्छा ठीक ठाक ही दिन रहा, हम लोगों ने वापस से मेट्रो लिया, पहले लिया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, फिर वहाँ से एरोसिटी के लिए, फिर एरोसिटी से पास में ही हमारा होटल, तो एरोसिटी के पास ही आ गए। एयरसिटी में रहने का कारण था कि यहाँ से एयरपोर्ट कल सुबह जाना आसान होगा, मुझे लगा अगर मैं सोऊं, अगर सोता नहीं तो फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं था कि एयर सिटी में रहूँ या तो फिर एयरसिटी में रहूँ, अगर सोऊंगा तो फिर सुबह सुबह जल्दी भागना पड़ता है ना एयरपोर्ट, यू नो लेट हो जाता है। तो अभी और ये नाश्तिया नहीं है ख़रीदा, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये, वाई यू लाइक दिस, वेरी गुड फॉर हेल्थ, वेरी गुड फॉर हेल्थ, यू विल बी सो पावरफुल,
बहुत पसंद है शप सर पर डॉलर एनीवे भाई चलो सिर्फ फिलहाल इतना ही। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम मेरा नॉमैड शुभम फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में थाईलैंड की सीरीज के साथ और थाईलैंड के लिए मैं फ्लाइट ले रहा हूँ तब। फिलहाल के लिए बाय बाय रस्विदानिया गुड नाइट फ्रॉम इंडिया। हालांकि आज एक ही दिन रहा इंडिया में बट मैं वापस से इंडिया आ रहा हूँ 10 दिनों के बाद तो आपको थोड़ी इंडिया के ब्लॉग भी देखने को आएंगे वापस से देखने को मिलेंगे। बाय रस्विदानिया। Bye. 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 Bye.